डोंगरिया का मेला लगा है दरगाह में। तो अभी हम ये मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ है। हाय, हम यहाँ भोगरिया का मेला देखने आए हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद होली है, तो सतपुड़ा पर्वतों में ये सबसे बड़ी होली का मेला लगता है यहाँ, और बड़े धूमधाम से यहाँ पे लोग होली मनाते हैं। ये जो आदिवासी लोग हैं, इनके जो पारंपरिक जो ढोल होते हैं वो लेके यहाँ पे आते हैं और बड़े धूमधाम से वो एंजॉय करते हैं। तो आपको हम वो अभी दिखाते हैं। एक्चुअली गाइस, ये जो भगोरिया का मेला है, इसे भगोरिया हाट भी कहते हैं, और बिल्कुल होली के एक हफ्ता पहले ही शुरू हो जाता है। तो आज से ही ये आदिवासी लोग ढोल को रेडी करते हैं। सामने पिक्चर में जो ढोल देख रहे हैं, बड़े बड़े, पहले से रेडी करके रखते हैं इस त्यौहार के लिए। स्पेशली होली के जो पहले के 7 दिन होते हैं, वो उसमें पूरे वो ऐसे ढोल बजाते हुए नाचते गाते ये एंजॉय करते हैं। और इसी जगह पे भारत की सबसे बड़ी होली लगती है, और पूरे भारत में काठी की होली के नाम से मशहूर है। बहुत जगह पे ये होली लगती है इस एरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस होली है वो काठी की है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, और काफ़ी दूर दूर से लोग वो होली देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, धड़गांव जो सिटी है, ये नॉर्थ साइड में महाराष्ट्र की सबसे लास्ट वाली सिटी है, और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में आती है, और बिल्कुल सतपुड़ा के एकदम बीचों बीच बसा हुआ ये शहर है, और ये पूरा आदिवासी भोल एरिया है। और दोस्तों, इनका जो कल्चर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके का है। इनके पास बजाने के लिए बड़े बड़े ढोल होते हैं, और स्पेशली इस त्यौहार के लिए जो वेशभूषा करते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होती है, और ऐसी वेशभूषा इंडिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। वैसे ये जो पार्ट है, अभी ये यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है जो कि होली के पहले एक हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। उन्होंने ढोल को किस तरह से सजा के रखा है आप देख सकते हो गाइस, बड़े बड़े गुब्बारों से और फूलों से सजा के रखा है, और इतना भारी भरकम ढोल बजाते हुए ये राउंड लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी सतपुड़ा में ये जब तक होली खत्म नहीं होती है, ऐसे ही इन ढोलों का जो आवाज़ है वो ऐसे गूंजता रहेगा। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को हमने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक बाय एंड टेक केयर।
Yes.